वर्षा से परेशान होकर रोने लगे किसान। आपको बता दें कि डीएम से मिले दर्जनों किसान अपना दर्द सुनाया। उन्होंने फसलों को खा जाते हैं गोवंश। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अफसरों से शिकायत करो तो कोई अधिकारी सुनते नहीं है। आपको बता दें कि मछरेहटा क्षेत्र के गुलरहिया से आए दर्जनों किसान, डीएम ने दिया समस्या निस्तारण के निर्देश। गोवंश से परेशान है किसान और उनका दर्द इतना ज्यादा है कि अपना दर्द बयां करते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिलहाल डीएम ने समस्या को निस्तारण के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले पर क्या किस तरह की कार्यवाही होती है वो भी पता चल जाएगा। फिलहाल किसानों का क्या कहना है इस पर आप भी सुनिए। जिले की फसलों के लिए ही नहीं किसानों के लिए भी रोज सर दर्द बनते जा रहे हैं। ये निराश्रित गोवंश फसलें ही नहीं बर्बाद कर रहे बल्कि इनको आए दिन चोटहिल भी करते आ रहे हैं। अभी दो दिन पहले की बात अगर ली जाए तो रेउसा थाना क्षेत्र में सड़कों पर परेशान किसानों ने गोवंशों को बांधकर सड़कों को जाम किया था। आज इसी को लेकर कुछ किसान जिलाधिकारी से भी मिलने के लिए सीतापुर मुख्यालय पर आए हुए हैं। आइए हम सीधे किसानों से जानते हैं कि क्या उनकी परेशानी है और कहाँ से वो आए हुए हैं। आप कहे हुए हैं? हम साहब बनिया मऊ न्याय पंचायत बनिया मऊ गुलरिया से ने आए हैं। क्या आपकी परेशानी है साहब? हमारे सब गन्ना साहब खाए ना कुछ नहीं साहब। हमारे खेत की बाती तो भाई 15 बीघा 10 बीघा साहब बैल तो हम साहब कुछ राके नहीं। आपके क्षेत्र में गौशाला नहीं है? गौशाला साहब बनिया मऊ में एक है, हम ऊपर लेके नए हैं। आप लोग गोवंशों को पकड़ के ले नहीं जाते हैं गौशाला? साहब हमारे इनकार करते हैं, यहाँ गंजाई सुनाई है। आप लोग आज जिलाधिकारी से मिले हैं? नहीं साहब आए ना है मिला है। और साहब मुलाकात जी मैं जिलाधिकारी महोदय से मिला हूँ जी। क्या आश्वासन मिला आपको? जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि मैं वीडियो के द्वारा संपर्क करके कोई इसका निराकरण करूंगा। लेकिन इसके पहले भी भाई साहब तमाम अधिकारियों को सूचित किया गया, डीएम को भी और जीआरसी से सूचना दी, जिसमें जो हमारे जो मेन सिक्योरिटी साहब हैं उन्होंने अपनी पूरी अनुशासनहीनता दिखाई है। उन्होंने जो रिपोर्ट लगाई है वो पूरी गलत लगाई है कि यहाँ पे कोई जानवर नहीं है। और जब हमारे लोग अपने लोग जो जब मिलने जाते हैं तो उनके सीधे जवाब होते हैं कि जो मर्जी हो कर जाके, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। किसानों का आरोप है कि यहाँ के जो इनके क्षेत्र के जो पंचायत सेक्रेटरी और अधिकारी हैं वो इन लोगों को बरगलाते हैं और सही से जानकारी नहीं देते हैं। सीतापुर दैनिक भास्कर से नमन अवस्थी के साथ हरिओम अवस्थी की ये रिपोर्ट।